यूएस वीजा प्रोसेस में होते हैं चार मेन स्टेप्स: फिलिंग DS-160, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग, बायोमेट्रिक और एक खतरनाक इंटरव्यू। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस और वो सारी रिसर्च जो मैंने की इस इंटरव्यू को क्लियर करके 10 साल का यूएस वीजा पाने के लिए। एम्बेसी ऑफिसर के साथ जो आपका इंटरव्यू होता है वो यूएस वीजा का सबसे लास्ट और सबसे क्रूशल स्टेप है। यही इंटरव्यू डिसाइड करता है कि आपका वीजा अप्रूव होगा कि नहीं, और यूजुअली ये इंटरव्यूज बहुत ही शॉर्ट होती है, मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कॉमनली आस्क्ड सवाल, उनके आंसर्स, क्या आपको बोलना है, क्या नहीं बोलना है और कुछ स्पेशल टिप्स। सो कीप ऑन वॉचिंग। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रैवल टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और जिस तरह से आप इस सवाल का जवाब देंगे आपका पूरा इंटरव्यू इसी के ऊपर निर्भर करेगा। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है कि आपके पास बहुत ही क्लियर और इम्पॉर्टेंट रीजन हो यूएसए जाने के लिए, यानी आपके पास एक सॉलिड एजेंडा होना चाहिए कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं। अब ये रीजन्स क्या हो सकते हैं? ये रीजन्स हो सकते हैं कि आप अपने रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स से मिलने जा रहे हैं, आप कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, या आप अपनी कंपनी की ओर से कोई ट्रेनिंग, कोई मीटिंग या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं। अब इसमें से जो भी आपका रीज़न हो, आपको ये इंश्योर करना है कि आपने उसकी पूरी रिसर्च की है, उसकी आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है और सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी है। चलिए एक एग्जाम्पल लेके इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। अगर आप इंटरव्यू में बोलते हैं कि आप यूएसए टूरिज्म या वेकेशन के लिए जा रहे हैं, तो इंटरव्यू में एम्बेसी ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, क्या क्या देखने वाले हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ रुकने वाले हैं एंड सो ऑन। और इन सारे सवालों के आंसर्स जो है आपके पास रेडी होनी चाहिए और आपको इनकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इससे ये समझ में आता है कि आपके पास एक क्लियर और ऑनेस्ट रीज़न है यूएसए विजिट करने के लिए। जब आप यूएस वीज़ा इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने से पहले होटल या फ्लाइट बुकिंग करके रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इट्स अ गुड आइडिया टू हैव अ ट्रैवल आइटनरी रेडी। ट्रैवल आइटनरी एक ट्रैवल प्लान होता है, ये डे बाई डे प्लान होता है कि आप अपने यूएस विजिट में क्या क्या करने वाले हैं, और ये ट्रैवल प्लान आप बना के अपने साथ इंटरव्यू में ज़रूर लेके जाइए। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं कि आप यूएसए कोई इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं, अब ये इवेंट पर्सनल कैपेसिटी में हो सकता है या ये इवेंट आपकी कंपनी या बिजनेस की ओर से भी हो सकता है। अगर ये आपका रीज़न है तो आपको इस इवेंट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ये इवेंट कहाँ पर हो रहा है, इसके स्पॉन्सर्स कौन है, वेन्यू क्या है, डेट्स क्या है, इवेंट का पर्पस क्या है एंड सो ऑन। एम्बेसी ऑफिसर आपसे इस इवेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, इसीलिए आपको इसकी पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले चलिए देखते हैं कि आपको इंटरव्यू में क्या नहीं बोलना है और क्या आंसर्स हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट टू यूएसए, तो ये बोलना कि आपका प्लान अभी बना नहीं है, आप अभी सोच रहे हैं, फ्यूचर में वीज़ा काम आएगा इसलिए आप अभी वीज़ा बनवा रहे हैं, ये सारे आंसर्स गलत है, इनअप्रोप्रिएट है और आपको इन्हें बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास जो है एक क्लियर और सॉलिड प्लान होना चाहिए कि आप यूएसए क्यों जा रहे हैं। तो ऐसे वेग आंसर्स और इनकम्प्लीट आंसर्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं यूएस वीज़ा इंटरव्यू का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। What are your reasons to come back to India? आप इंडिया वापस क्यों आएंगे? और जिस तरह से आप इस सवाल का जवाब देंगे ये डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है कि आपको ये ब्लू स्लिप मिलेगा, जिसका मतलब है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, या आपको एक पिंक रिजेक्शन स्लिप मिलेगा। इंटरव्यू में एम्बेसी ऑफिसर आपसे ये सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि आप इंडिया वापस क्यों आएंगे, या वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके जॉब के बारे में, आपके सैलरी के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपके लाइफ के बारे में, ये जज करने के लिए कि आप इंडिया वापस आएंगे कि नहीं। तो आप देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे
तो ये दिखाना बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी इंडिया में एक सेट ग्राउंडेड लाइफ है, यानी कि इंडिया में आपकी एक स्टेबल लाइफ है और आपके पास इंडिया वापस आने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। अब ये रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? ये रीजंस हो सकते हैं आपकी जॉब, आपकी कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस जो कि इंडिया में बेस्ड है, पेरेंट्स, सिबलिंग्स जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, इन्वेस्टमेंट्स और फंड्स जो आपने इंडियन मार्केट में लगाया है, प्रॉपर्टीज़ जो आप इंडिया में ओन करते हैं। तो ये सारे रीजंस जो है ये दिखाएगा कि आपकी लाइफ जो है इंडिया में बेस्ड है और आपको तो इंडिया वापस आना ही है। एक और चीज़ जो आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगा वो है आपका पासपोर्ट। तो अगर आपके पासपोर्ट में प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है, यानी कि आप इंडिया से बाहर गए हैं, यूरोप, एशिया या कहीं पर भी, तो ये आपकी स्टोरी को सपोर्ट करेगा और ये दिखाएगा कि आप पहले भी जो है इंडिया से बाहर गए हैं और वापस आए हैं, कई और जो है माइग्रेट या सेटल नहीं हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी फ्रीलांसर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए। बहुत बार इन्हें लगता है कि ये डिसएडवांटेज पे है क्योंकि ये एक फिक्स्ड जॉब या फिक्स्ड इनकम नहीं दिखा सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद एक फ्रीलांसर हूँ और मैंने इंटरव्यू में यही बोला था कि मैं यूट्यूब पर ट्रैवल वीडियोज़ बनाती हूँ। अब क्योंकि ये स्टोरी सही थी, यूट्यूब पर मेरे बहुत सारे वीडियोज़ थे, मेरे पासपोर्ट में ट्रैवल हिस्ट्री था, मैं बाकी कंट्रीज़ को विज़िट कर चुकी थी और मैं इंडिया वापस आई थी, उसके बाद मेरी पूरी फैमिली इंडिया में है, मेरे इन्वेस्टमेंट्स और जो इनकम है वो इंडिया में बेस्ड है, तो ये सब मिला के जो है मेरी स्टोरी को सपोर्ट करती है कि मैं यूएसए एक टूरिस्ट की तरह जाना चाहती थी और ट्रैवल वीडियोज़ बना के इंडिया वापस आऊँगी। तो अगर आप फ्रीलांसर या बिजनेस ओनर है तो डोंट वरी, एज लॉन्ग एज आपके पास एक वैलिड रीज़न है, एक क्लियर पर्पस है कि आप यूएसए क्यों जा रहे हैं और उसके साथ आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ है, तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। अब तीसरी चीज़ जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहती हूँ वो है डॉक्यूमेंट्स। अगर आप यूएस वीज़ा इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इंटरव्यू के लिए कोई डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट नहीं है, कोई सेट लिस्ट नहीं है कि आपको ये सब लेके जाना है, लेकिन फिर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इंटरव्यू में ज़रूर अपने साथ कैरी करने हैं। जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी तो मैंने ऑलमोस्ट 2 दिन जो है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में लगा दिया था और इंटरव्यू में मेरे से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी करके अपने साथ इंटरव्यू में लेके जाए, क्योंकि अगर इंटरव्यू के दौरान आपसे किसी भी चीज़ का प्रूफ मांगा जाता है या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो आप तुरंत उन्हें उसी टाइम दिखा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या है? ये डॉक्यूमेंट्स बेसिकली सारा सपोर्टिंग मटेरियल है आपके फर्स्ट 2 questions के लिए। व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ विजिट टू द यूएसए एंड व्हाट आर योर रीजंस टू कम बैक टू इंडिया। तो इन 2 सवाल के आप जो भी आंसर्स बोलने वाले हैं उनके सारे सपोर्टिंग मटेरियल और डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास लेके जाने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं एंड लेट्स क्विकली गो ओवर। तो पहला कैटेगरी है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने साथ लेके जाना है आपका सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, ITR रिटर्न, फंड स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न्स इफ एप्लीकेबल एंड एनीथिंग एल्स जो आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आप खुद यूएसए ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन अगर आपका फंडिंग कोई और कर रहा है तो आपको अपने स्पॉन्सर के सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ लेके जाने हैं। सेकेंड कैटेगरी है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि यूएस वीज़ा के लिए पहले से होटल और फ्लाइट बुकिंग करके रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ लेके जाने हैं। उसमें से पहला आता है ट्रैवल आइटिनरी। तो ट्रैवल आइटिनरी एक डे बाय डे ट्रैवल प्लान है जो ये बताएगा कि आप यूएस में अपने ट्रिप के दौरान क्या क्या करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ रहने वाले हैं तो उनका पूरा एड्रेस आपके साथ होना चाहिए। अगर आप किसी होटल में रहने वाले हैं तो 2 या 3 होटल्स जो कि प्रोबेबल लिस्ट में है, आपकी प्रोबेबल बुकिंग लिस्ट में है, इसके नाम और एड्रेस आपके साथ होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई इवेंट अटेंड करने वाले हैं तो वो इवेंट कहाँ पे हो रहा है, उसका पूरा एड्रेस, वेन्यू डिटेल्स और डेट्स जो है आपके साथ होने चाहिए। और थर्ड और फाइनल कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके जाना है वो है यू। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड कर सकता है, लेकिन व्हाट आई मीन बाय दिस इज इस कैटेगरी में वो सारी डॉक्यूमेंट्स आती है जो आपकी स्टोरी को सपोर्ट करेगी। आप अगर आप बोल रहे हैं कि आप मैरिड हैं तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि कोई और आपका ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है
तो उस स्पॉन्सर के सारे डिटेल्स आपके पास होने चाहिए, स्पॉन्सर के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि आपको US विजिट करने का इनवाइट आया है तो वो इनविटेशन लेटर आपके पास होने चाहिए। तो इस कैटेगरी का कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसको प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने आंसर्स को रिहर्स करिए, उनको प्रैक्टिस करिए और फिर देखिए कि इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाने हैं। तो ये था US वीज़ा इंटरव्यू क्लियर करके ये ब्लू स्लिप पाने का तरीका। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। अगर आपको और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं। ये कंसल्टेशन सेशन बुक करने के लिए जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। अगर आपको और क्वेश्चंस या डाउट्स पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में उसे लिखिए या आप इंस्टाग्राम DM में भी मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा, राइट बिलो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो ये वीडियो यहाँ पे है स्क्रीन पे, इसे क्लिक करके आप इंग्लिश में देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनको जो भी यूएस वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। एंड बिफोर यू गो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।